Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum, dear students. Welcome in lecture number 17 of chapter 1 of NBF Biology 11. And today we are going to discuss structure and function of mitochondria and clusters. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स की बात करनी है. हमने पिछले दो लेक्चर्स में भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स को कवर किया था और अब जो बकाया सेल ऑर्गेनल्स रह गए उनको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो आज के लेक्चर में हमने जिन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करना है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम कवर करेंगे. इसके अलावा प्लास्टिड्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात होगी. तो आइए लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं जी. तो सेंट्रियोल्स के बाद अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. देखिए, अब तक हमने जितने ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया उनमें से कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे और कुछ नॉन मेम्ब्रेनस थे. जैसे आपने राइबोसोम को नॉन मेम्ब्रेनस देखा या अभी जो हमने साइटोस्केलेटन डिस्कस किया है वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और अभी आगे प्लास्टिड और न्यूक्लियस की बात होगी, ये सभी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर्स. तो ये डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ये इस तरह से आपको ये नजर आ रहे हैं कि इनमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो इनको स्मूथली सराउंड कर रही होती है. आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होगी और वो स्मूथली इसको सराउंड कर रही होगी, जबकि इसके मुकाबले में जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म सेवरल इनफोल्डिंग्स टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होगा माइटोकॉन्ड्रियन. तो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर की जानब आपको इनर मेम्ब्रेन की बहुत सारी इनफोल्डिंग्स नजर आ रही हैं. दरअसल इन इनफोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टी. तो दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी. तो अक्सर ये क्रिस्टी के बारे में एमसीक्यू पूछा जाता है कि द इनफोल्डिंग्स और इन्वेजिनेशंस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टी. तो आपने ये क्रिस्टी टर्म याद रखनी है, इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा जाता है. तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन ना सिर्फ ये क्रिस्टी के हवाले से डिफर करती हैं. आउटर मेम्ब्रेन में आपको इस तरह की कोई क्रिस्टी नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्रिस्टी नजर आ रहे हैं. इसके अलावा जो रिमेनिंग कंपोजिशन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन की वो भी बहुत ज्यादा डिफर करती है. अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक स्पेस भी मौजूद है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है. इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अभी आगे फंक्शन के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो देखिए, आउटर और इनर मेम्ब्रेन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक तो आपको ये इनफोल्डिंग्स जिन्हें हमने क्रिस्टी का नाम दिया है इसके हवाले से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और इसके अलावा मजीद अगर कंपोजिशन देखी जाए तो आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन नजर आएगी. द सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज ऑक्यूपाइड बाय सम स्टार्क पार्टिकल्स और वो स्टार्क पार्टिकल आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं. ये एक स्टार्क पार्टिकल को बड़ा करके दिखाया है, इसको कलेक्टिवली कहते हैं स्टार्क पार्टिकल. तो ये स्टार्क पार्टिकल बेसिकली क्या चीज है, ये स्टार्क पार्टिकल दो चीजों पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है. इसमें एक पोर्शन को एफ जीरो पोर्शन कहते हैं और दूसरे को एफ वन पोर्शन कहते हैं. तो एफ वन पोर्शन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी वजह से स्टार्क पार्टिकल सम टाइम रेफर टू एज एफ वन पार्टिकल. इसको इसी वजह से एफ वन पार्टिकल भी कह दिया जाता है. देखिए, ये जो एफ जीरो पार्टिकल है ना, ये इस स्टार्क पार्टिकल का वो हिस्सा है जिसके जरिए ये इस मेम्ब्रेन के अंदर इंबेडेड है. ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसके अंदर ये इंबेडेड होगा ये पोर्शन. और जबकि एफ वन पार्टिकल ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोजेक्टेड होता है. तो इस तरह से इसके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोजेक्टेड होने की वजह से आपको क्रिस्टी मेम्ब्रेन की जो इनर सरफेस है वो आपको बिल्कुल स्मूथ नजर नहीं आएगी, बल्कि वो आपको यूं रफ नजर आएगी. उसके ऊपर ये चीजें मौजूद हैं. इसमें जो F1 पार्टिकल है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. F1 पार्टिकल बेसिकली एक्ट एज एन एंजाइम. तो ये कौन सा एंजाइम है, ये एंजाइम है एटीपी सिंथेज. ये एक्चुअली एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज. तो ये एटीपी सिंथेज दरअसल इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है. इसका काम क्या होता है, दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी.
एटीपी की जो फॉर्मेशन है वो दरअसल इसके जरिए होनी है, ये उसको कैटलाइज करेगा। हम सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये इसका जो रोल है काफी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहां पर याद रखना है कि F1 पोर्शन या F1 पार्टिकल इज एक्चुअली एन एंजाइम नोन एज एटीपी सिंथेज, और सम टाइम दिस F1 पार्टिकल या एटीपी सिंथेज इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम, इसको ऑक्सीजोम भी कहा जाता है। तो इससे आप देख रहे हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास की आपको पार्टिकल्स मिल रहे हैं, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन के पास तरह के कोई पार्टिकल्स नहीं है। इन एडिशन टू दिस पार्टिकल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन सेवरल एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस विच पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स मौजूद हैं जो कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर्म करते हैं, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी की सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करेगी। एक मैकेनिज्म होता है इसे कहते हैं केमीओस्मोसिस, उसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हिस्सा लेती है। तो इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, आउटर में नहीं है। ठीक है, तो आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम कंपेयर कर रहे हैं, वो काफी लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, अब आप देखिए कि एक तो आपको कंपार्टमेंट यहां पर माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाई गई है, ये भी एक कंपार्टमेंट है बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, और एक कंपार्टमेंट आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान नजर आ रहा है। दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स, इस कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रियन, तो देर आर टू कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रियन, वन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड द अदर इज नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की अगर हम कंपोजिशन देखें तो मैट्रिक्स की कंपोजिशन भी काफी कॉम्प्लेक्स है। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वही जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है डीएनए, उसी तरह का डीएनए आपको यहां पर भी मिलेगा। और इस डीएनए की एक कॉपी नहीं बल्कि सेवरल कॉपीज इसकी आपको यहां पर मिलेंगी। तो इस तरह से ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड जो प्रोकैरियोटिक नेचर का डीएनए वो इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर सभी किस्म के आरएनए भी मौजूद होंगे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सारे आरएनए भी यहां पर मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए कि यहां पर राइबोसोम भी इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, और ये वही टिपिकली जो प्रोकैरियोटिक नेचर के 70S राइबोसोम है वो यहां पर मौजूद है। तो इस तरह से आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ये जो प्रेजेंस ऑफ डीएनए नजर आ रही है, इसका एक अपना जीनोम है, और इसके साथ साथ आप देखिए कि इसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए पॉइंट आउट किए गए हैं, और इसके साथ साथ 70S टाइप के राइबोसोम भी यहां पर पॉइंट आउट किए गए हैं। इस बुनियाद के ऊपर, इन चीजों की अक्रेंस की बेसिस के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम, That is, they are capable to produce their own protein. यानी जिस प्रोटीन की भी जरूरत माइटोकॉन्ड्रियन को पड़ती है वो साइटोप्लाज्म से वो प्रोटीन नहीं आती, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया are capable to produce those proteins themselves. इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ट्रांसक्रिप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, डेफिनेटली होती है। क्या ट्रांसलेशन यहां पर परफॉर्म हो रही है, बिल्कुल ट्रांसलेशन भी यहां परफॉर्म हो रही है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो भी यहां पर होगी, क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रियन डिवाइड करके टू डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो सकता है, तो ड्यूरिंग दिस डिवीजन वो लाजमी तौर पर अपने डीएनए को रेप्लिकेट भी करता है। तो इस तरह से ये जितने भी मैंने मेटाबॉलिक इवेंट बताए ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी इनको आपने एसोसिएट करना है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये जो आपको करेक्टरिस्टिक्स यहां पे बताई कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपको यहां पर जो सेल्फ जेनेटिक सिस्टम का नजर आना है, प्रेजेंस ऑफ सेल्फ जेनेटिक सिस्टम, या इसके साथ साथ इसके बारे में अभी मैंने बताया कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी शो करते हैं, कैपेसिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। और इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर केयरफुली फ्रैक्शनेट किया जाए, यानी सेल से इसको आप बाहर निकालें और एक सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करें, तो इसके अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है कि ये वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी शो कर सकते हैं, यानी कैपेसिटी टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल इन अ सूटेबल मीडियम। तो आप देखिए कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बयान की गई हैं, इन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ये ज्यूम किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनिजम्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज दे शो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। आपने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन
बयान किया गया है, तो उस यूकैरियोटिक सेल के ओरिजिन के हवाले से जो एंडोसिम्बायोटिक कॉन्सेप्ट है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे किसी प्रोकैरियोटिक सेल को इंजेस्ट कर लिया होगा और वो फिर उसके अंदर आकर सर्वाइव करना शुरू हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मुताबिक यही अज्यूम किया जाता है कि शायद ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, लेकिन किसी दूसरे सेल ने जब इनको इंजेस्ट कर लिया और अपने अंदर इनको प्रिजर्व कर लिया और इनसे काम लेना शुरू कर दिया, तो इस तरह से अब ये सेल के ऑर्गेनल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इन करेक्टर्स की बुनियाद के ऊपर पेश किया जाता है। तो इस हवाले से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनिज्म विद इन द ऑर्गेनिज्म, तो इसको कौन सा फीचर जो है वो सजेस्ट कर रहा है, तो आपने इन तीनों को कंसिडर करना, ये तीनों ही इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एविडेंस के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेल्फ जेनेटिक सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया, कैपेसिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स इन माइटोकॉन्ड्रिया और इसी तरह से कैपेसिटी टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल इन अ सूटेबल मीडियम। तो ये सारे फीचर्स इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनिजम्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एज फार एज फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसर्न, तो अभी जैसे जिक्र हुआ था कि माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी जनरेट करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज की जाती है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी। तो इस बुनियाद पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेज ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। अच्छा, आप देखिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन, उसकी दो टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किस पाथवे के साथ एसोसिएटेड है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ लिंक्ड है या एनरोबिक रेस्पिरेशन के साथ लिंक्ड है या दोनों रेस्पिरेशन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया का ताल्लुक है, तो इसका जवाब हमने अभी देखना है। पहले जरा हम देख लें कि एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन के जो फर्दर स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए कि एनरोबिक रेस्पिरेशन के जो दो आगे फर्दर टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया से ताल्लुक नहीं रखते। ये दोनों मेटाबॉलिक इवेंट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जैसे मैमल्स के सेल्स के अंदर या ह्यूमन सेल्स के अंदर, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जैसे यीस्ट के अंदर, ये दोनों ही साइटोप्लाज्मिक पाथवेज हैं, ये दोनों साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होने वाले मेटाबॉलिक इवेंट्स हैं। तो इस तरह से हमें यह बात समझ में आई है कि ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन इज लिंक्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन के भी फर्दर आगे स्टेप्स अगर देखें तो ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट या लिंक रिएक्शन जिसे कहा जाता है, नंबर 3 क्रेब्स साइकिल और नंबर 4 रेस्पिरेटरी चेन या जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। तो ये चार स्टेप्स पर एरोबिक रेस्पिरेशन मुश्तमिल है, लेकिन इन चारों स्टेप्स में से सिर्फ 3 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लिंक्ड होंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगा मैट्रिक्स के अंदर, क्रेब्स साइकिल ये भी मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म होगा, और जो रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जरिए ये इवेंट परफॉर्म होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस जो आप देखते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का भी स्टेप है और ये एनरोबिक रेस्पिरेशन का भी स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस ये टोटली साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होने वाला इवेंट है, इसका ताल्लुक माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होगा। इस हवाले से देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द सेल, तो जैसे अभी हमने इसको पावर हाउस कहा था तो इसको एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये यहां पर भी जो आंसर यहां पर पिक करना आपने वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से कि अ सेल हैज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इट कुड बी अ सेल फ्रॉम अ बैक्टीरियम। तो देखो कि अगर हम यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं ना, तो बैक्टीरियम हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो बैक्टीरिया में हो सकती हैं बट नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, इस वजह से ये सेल बैक्टीरियम से नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से देखिए कि एन एनिमल बट नॉट प्लांट, तो यहां पर देखिए कि ये प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं और बाकी चीजें भी आपको दोनों सेल्स में मिल सकती हैं, तो ये कहना गलत होगा कि एन एनिमल बट नॉट प्लांट। तीसरा ऑप्शन देखिए कि अ प्लांट बट नॉट एनिमल, तो ये भी ऑप्शन यहां पे सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं।
तो फिर देखिए डी ऑप्शन कि अ प्लांट और एन एनिमल, बिल्कुल ये बात बहुत ज्यादा सूटेबल है कि इट कुड बी अ सेल फ्रॉम अ प्लांट और एन एनिमल, तो डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। लेकिन आप ई ऑप्शन को भी देख लीजिए कि एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनी काइंड तो हो नहीं सकता, जैसे हमने बैक्टीरियम को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया था, तो इस वजह से द मोस्ट सूटेबल आंसर इज डी। अच्छा अब देखिए प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ये एक और बड़ा अहम ऑर्गेनेल है एज फार एज प्लांट सेल्स आर कंसर्न। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेनस डिस्कॉइड स्ट्रक्चर्स, इनकी शेप कैसी होती है, डिस्क लाइक होती है, डिस्कॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट जनरली कंटेन पिगमेंट्स एंड आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे अभी सेंट्रियोल आपको एनिमल सेल के साथ एसोसिएट करके दिखाया था, इसी तरह से प्लास्टिड्स आर मेनली एसोसिएटेड विद द प्लांट सेल। तो ये डिस्कॉइड स्ट्रक्चर जनरली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होते हैं और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहा जाता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, एक प्लास्टिड डिवाइड होकर टू डॉटर प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो सकता है, और वो जो दो डॉटर प्लास्टिड्स होंगे वो दरअसल प्रोप्लास्टिड्स कहलाएंगे जब तक उनका फंक्शन स्पेसिफाई ना हो जाए। तो प्रोप्लास्टिड टर्म किसके लिए यूज की जाती है, यंग प्लास्टिड्स के लिए। कोई भी यंग प्लास्टिड जो अभी पहले से मौजूद प्लास्टिड की डिवीजन से फॉर्म हुआ होगा, उस यंग प्लास्टिड को प्रोप्लास्टिड कहा जाएगा, और फिर जब उसका फंक्शन स्पेसिफाई हो जाएगा तो तब आप उस प्रोप्लास्टिड को अकॉर्डिंगली नेम करेंगे। देखिए प्रोप्लास्टिड अगर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट डेवलप करता है तो इट विल बी डेवलप इनटू इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट ये कलरलेस किस्म का प्लास्टिड होगा दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रोप्लास्टिड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। यहां पर यह बात याद रहे कि यह एब्सेंस ऑफ लाइट में डेवलप होना है, और अगर लाइट प्रेजेंट है तो प्रोप्लास्टिड कैन बी कन्वर्टेड इंटू आइदर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, या फिर इससे ल्यूकोप्लास्ट भी बन सकता है। तो ल्यूकोप्लास्ट भी अगर चेक कलरलेस प्लास्टिड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कलरलेस प्लास्टिड, लेकिन ये ल्यूकोप्लास्ट ये लाइट की एब्सेंस में नहीं फॉर्म हो रहा, इसके लिए वो लाइट की एब्सेंस का होना कोई लाजमी कंडीशन नहीं है। बस ये है कि ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर डेवलप होता है जहां पर फूड की स्टोरेज होती है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड, ये कलरलेस किस्म के प्लास्टिड्स होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड विच इज स्टोर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू आइदर इनटू माइलोप्लास्ट दैट स्टोर स्टार्च, इसके अलावा इलायोप्लास्ट दैट स्टोर लिपिड्स, एंड प्रोटीनोप्लास्ट दैट स्टोर प्रोटीन। जैसे ये जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस दालें, उनके सेल्स के अंदर प्रोटीन स्टोर होती है, वहां पर प्रोटीनोप्लास्ट मिलेंगे। इसी तरह से जो ऑयल सीड प्लांट्स के सीड्स हैं जिनके अंदर ऑयल स्टोर है, वहां पर इलायोप्लास्ट मिलेंगे, और अदरवाइज जो बाकी प्लांट के सीड्स होते हैं उनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है, जैसे ये राइस ग्रेन्स या वीट ग्रेन, तो वहां पर आपको माइलोप्लास्ट मिलेंगे। तो इस तरह के जो स्टोरेज रीजन हैं प्लांट के, वहां पर आपको ये ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं जो फूड की स्टोरेज के साथ कंसर्न है, और ये ल्यूकोप्लास्ट प्रोप्लास्टिड से यूं ओरिजिनेट हुए। अच्छा प्रोप्लास्टिड कैन बी कन्वर्टेड टू क्लोरोप्लास्ट दैट इज यूजली कॉल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड। तो ये जो ग्रीन प्लास्टिड्स हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स दे आर कंसर्न विद फोटोसिंथेसिस, फूड मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये प्लास्टिड कंसर्न है, इनको अभी हम डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा कभी जरूरत पड़ने पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड कहलाता है, अदर देन ग्रीन इसका कलर होगा, दिस इज यूजली कॉल्ड एज कलर्ड प्लास्टिड। तो ये कलर्ड प्लास्टिड बेसिकली प्लांट के जो कलर पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लावर की पेटल्स या फ्रूट वाल, उसके अंदर आपको ये क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे, और वहां पर इनके जरिए अट्रैक्टिव कलर्स इंपार्ट होते हैं प्लांट पार्ट्स को, और जब प्लांट पार्ट्स यूं कलर्स के लिहाज से अट्रैक्टिव हो जाएंगे तो इंसेक्ट्स उनकी तरफ विजिट करेंगे, और बाय मींस ऑफ दोज इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन द पॉलिनेशन, तो ये पॉलिनेशन के साथ कंसर्न है। क्लोरोप्लास्ट ना सिर्फ ये प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट हो सकते हैं, बल्कि जो अभी आपको मैंने इटियोप्लास्ट बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये प्रोप्लास्टिड इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर फिर लाइट मिलना शुरू हो जाए तो इटियोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन ये प्रोप्लास्टिड से डायरेक्टली भी हो सकता है इफ लाइट इज प्रेजेंट, और इफ लाइट इज एब्सेंट तो ये इटियोप्लास्ट में पहले प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फिर ये क्लोरोप्लास्ट यहां से ओरिजिनेट होगा। तो ये आपने प्लास्टिड्स की ओरिजिन के हवाले से इस डिस्कशन को याद रखना है। अब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड इसे कहा जाता है, तो ये ग्रीन प्लास्टिड इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है।
ये ग्रीन प्लास्टिड एक डिस्कॉइड बॉडी है, आपको ये इसकी शेप से नजर आ रहा है कि ये डिस्क शेप है इस तरह से, और ये इसका क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाया है, ये बिल्कुल फ्लैटन डिस्क नहीं है, बल्कि आपको नजर आ रहा है कि ये दरमियान से ये डिस्क थोड़ी सी मोटी है, और जबकि इसके एंड्स जो हैं वो आपको थोड़े से कंपैरेटिवली थिनर नजर आ रहे हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और इसकी जो डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, वो दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एनवेलप, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। इस एनवेलप में भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, लेकिन इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का रोल वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उस जैसा नहीं है। वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में बताया था कि वो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हाइड्रोजन आयंस का स्टोरेज करती है, हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट स्टैब्लिश करती है, और उसी ग्रेडियंट की वजह से एटीपी फॉर्म होता है। लेकिन यहां पर ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं होगी, यहां पर जो हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम है वो एक और जगह से लिया जाएगा। तो ये डिफरेंस आपने जरूर याद रखना है। इसके अलावा देखिए, इस डबल मेम्ब्रेनस कॉम्प्लेक्स यानी एनवेलप के इनर साइड पर जो आपको ग्राउंड नजर आ रहा है, दिस ग्राउंड इज नोन एज स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर भी आपको उसी तरह की प्रॉपर्टीज नजर आएंगी जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर अभी बताई थी, यानी स्ट्रोमा आल्सो कंटेन इट्स ओन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक नेचर का डीएनए, तो इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए इसका अपना होगा। इसी तरह से स्ट्रोमा के अंदर आपको राइबोसोम्स नजर आएंगे, वही 70S टाइप के राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक नेचर के राइबोसोम है वो भी यहां पर मौजूद हैं, और ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये भी सभी इस डीएनए से ओरिजिनेट होंगे और इसके स्ट्रोमा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने क्लोरोप्लास्ट में पॉइंट आउट की थी वो यहां पर भी आपको नजर आ रही हैं, और इनकी प्रेजेंस की वजह से यानी डीएनए की प्रेजेंस की वजह से, 70S राइबोसोम की वजह से और ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए की वजह से, इनका भी अपना एक जेनेटिक सिस्टम है, सेल्फ जेनेटिक सिस्टम। तो ये सेल्फ जेनेटिक सिस्टम रखने वाला ये दूसरा ऑर्गेनल आपने देखा, इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया था। सेल्फ जेनेटिक सिस्टम होने के साथ साथ इसमें आपको अभी मैंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी भी बताई है कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, और इसके साथ साथ इसमें भी कैपेसिटी पाई जाती है कि अगर आप इसको केयरफुली फ्रैक्शनेट करें तो आउटसाइड द सेल इट कैन ऑल्सो सर्वाइव, तो कैपेसिटी टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल। तो इन तीनों करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि दिस इज आल्सो सपोज्ड टू बी एन ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म, यानी ये ऑर्गेनल भी एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन को शो करता है। यानी इस ऑर्गेनल के मुताबिक भी यही अज्यूम किया जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन शायद ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रहा होगा और बाद में किसी दूसरे सेल ने इसको इंजेस्ट कर लिया और अपने अंदर बजाय इसको डाइजेस्ट करने के उससे काम लेना शुरू कर दिया, और इस तरह से अब ये एक यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनल है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के मुताबिक मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कि स्ट्रोमा के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग आपको नजर आ रही है वो आपको इस तरह से ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको नजर आ रहे हैं, दिस होल स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम, और इस ग्रैनम के अंदर जो ईच फ्लैटेंड सैक लाइक या फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर प्लेस नजर आ रहा है इसको कहते हैं थैलेकॉइड। तो ये Each sac is thylakoid and many thylakoids are placed one above the other to form granum. तकरीबन कोई 25 to 50 thylakoids एक granum के अंदर मौजूद होते हैं। Thylakoids की जो membranes होती हैं उसको grana lamellae भी कहा जाता है। Thylakoid membranes are also called grana lamellae. और ये thylakoid जो granum के अंदर पाए जाते हैं, इन thylakoids को sometimes smaller thylakoids भी कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रेनम है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। बहुत सारे ग्रेना पूरे आपको स्ट्रोमा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहे हैं, और सर्टेन प्लेसेस से आपको ये ग्रेना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर आ रहे हैं बाय मींस ऑफ अनदर मेम्ब्रेन, अनदर लैमिला, दैट लैमिला इज नोन एज इंटरग्रेना, इसको इंटरग्रेना कहा जाता है या फिर इसको स्ट्रोमा लैमिली भी कहा जाता है। तो ये इंटरग्रेना या स्ट्रोमा लैमिली ये समटाइम लार्जर थैलेकॉइड्स भी कहलाते हैं।
तो आपने ये टर्म्स याद रखनी है, स्मॉलर थैलेकॉइड की टर्म, ये इन थैलेकॉइड्स के लिए यूज की जा रही है जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर ग्रेनम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और लार्जर थैलेकॉइड की टर्म ये स्ट्रोमा लैमेली या इंटरग्रेना के लिए यूज की जा रही है जिनके जरिए आपको ग्रेना आपस में कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। अच्छा, इनमें से आपको जो इंटरग्रेना है वो कलरलेस नजर आएंगे। यहां पर डायग्रामेटिकली ये फॉल्ट आपको नजर आ रहा है कि ये भी आपको ग्रीन कलर करके दिखाई गई है, तो इंटरग्रेना और कलरलेस, यहां पर पिगमेंट्स मौजूद नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में जो ग्रेना लैमेली है, ग्रेना लैमेली यानी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स, ये कलर्ड हैं, ये ग्रीन पिगमेंट अबंडेंटली कंटेन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दूसरे जो पिगमेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोरोफिल यहां पर मौजूद है और उसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होगा। तो पिगमेंट्स आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्मॉलर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स जिनको ग्रेना लैमेली कहा जाता है, इसके अंदर ये पिगमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी जो अंदर की स्पेस आप देख रहे हैं, हॉलो स्पेस, इसे कहा जाता है ल्यूमेन, और ये ल्यूमेन ये वही काम करता है जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के केस में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के जरिए बताया था कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी तरह से यहां पर भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होना है वो दरअसल इसी ल्यूमेन के अंदर डेवलप होना है। तो ल्यूमेन का फंक्शन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन का फंक्शन ये सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये दोनों चीजें डिफर करती हैं, तो इनको भी एक दूसरे का एनालोगस कहा जा सकता है। तो अब देखिए कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो कि फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है प्लांट का, तो ये फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली इन्वॉल्व होता है। और फोटोसिंथेसिस के जो दो फेजेस हैं वो किस तरह से क्लोरोप्लास्ट के साथ लिंक्ड हैं, तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट फेज है, लाइट रिएक्शन इन विच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, तो लाइट चूंकि पिगमेंट के जरिए एब्जॉर्ब होती है, और अभी मैंने आपको बताया था कि पिगमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स, इस वजह से ये जो ग्रेना रीजन है इट इज कंसर्न विद लाइट रिएक्शन। और जबकि डार्क रिएक्शन जिसमें केल्विन साइकिल एक मेटाबॉलिक पाथवे है, इट अकर्स इन द स्ट्रोमा रीजन। इसके अलावा जो बकाया डिटेल्स हैं इसकी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरोप्लास्ट, वो आगे चलकर हम जब बायोएनर्जेटिक्स का यूनिट पढ़ेंगे वहां पर आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों जो इवेंट हैं यहां क्लोरोप्लास्ट में कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहां जस्ट आपने ये एसोसिएशन इसकी इन दोनों फेजेस की क्लोरोप्लास्ट के साथ याद रखनी है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से कि विच स्टेटमेंट्स अबाउट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर करेक्ट। तो एक स्टेटमेंट है कि दे कंटेन एटीएस राइबोसोम, ये बात तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर ही आपको एटीएस राइबोसोम नजर नहीं आते। दे कंटेन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, यस ये बात दुरुस्त है। दे प्रोड्यूस एटीपी, यस बोथ प्रोड्यूस एटीपी, तो इसका मतलब है कि टू एंड थ्री वाला ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो ये ऑप्शन आप देखिए कहां पर है, तो टू एंड थ्री ओनली, सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.